नमस्कार, मैं एकता गुप्ता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। आइए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। और ताजा खबरों के लिए अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हंगामा टाइम तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थाना पारा में काशीराम कॉलोनी में एक पुलिस को सूचना दी गई कि एक महिला घर में फ़ोन नहीं उठा रही है, तो पुलिस मौके पर पहुंची। उसकी बच्ची बाहर खेल रही थी और घर का अंदर घुसने पे उसकी बॉडी मिली पलंग के नीचे लपेटी हुई। उसकी शिनाख्त मृतका की शिनाख्त सोफिया के रूप में हुई है और उसका पति यासिम खान वहीं रहता था उसके साथ, लेकिन वो अभी फरार है। और उसकी दूसरी बीवी है जो अभी घटनास्थल पर आई है। पुलिस की फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच रही है, इसमें आगे पीएम कराकर तहरीर प्राप्त कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, ये हत्या या आत्महत्या? अभी तहरीर और पीएम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के बाद ही कहना क्लियर हो पाएगा। सर, क्या इनका कुछ लड़ाई झगड़ा था? कुछ विवाद बता रहे हैं, दो पत्नियां हैं, एक पत्नी। सर, अभी सूत्रों के मुताबिक यहाँ पर हमको पता चला है जी, एक महिला बता रही थी कि 20,000 रुपए का लेन देन का विवाद इनका काफी दिनों से चल रहा था। अभी सारे पहलुओं पर जांच की जाएगी और अगर मर्डर जैसा प्रतीत हो रहा है तो बिल्कुल सभी दोषियों को जेल भेजा जाएगा।